हेलो गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीटू के ब्लॉग्स में। और मैं अभी नाइट में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। पता नहीं यार क्या हो गया स्वीटू को, मतलब कुछ भी खाने के लिए बोल दूँ स्वीटू खा लो तो खाती ही नहीं है, बस उल्टी उल्टी और बदबू आती है हर चीज़ में से। और गाइस ना रात को सही से सो पा रही हैं, क्या ही बताऊँ यार, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अभी मैं इनके लिए लेके आया थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मैंने कहा यार चिप्स खा लो, तो इसे देख के तो बोलती है मुझे येलो देख के ना उल्टी आती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार चलो तुम मटर खा लो, सब्जी बना दे, हर चीज़ में से बदबू आ रही है, हर चीज़ में से दूध खाना पीना कुछ भी नहीं पी रही है। मतलब कंट्रोल करके ना फिर भी मतलब वॉमिटिंग इतना बुरा होता है मुझे, बहुत बुरा। और गाइस रात को ना तो सही से सो पाती हैं। और मैं फ्री मैं इनके लिए फ्रूट्स भी लेके आया, कुछ खा लिया करो, तो एक दो दिन खाए एप्पल वेप्पल, फिर अब कहती है मेरे को अच्छे नहीं लगते, बदबू आ रही है। ऐसा मतलब भूखा ही आती है, मतलब बहुत बुरी तरीके से अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, बहुत बुरी। कुछ नहीं समझ में आ रहा गाइस क्या। और अभी पता नहीं अभी अभी से ही मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया, मतलब और अभी हाँ ये हो रहा है, मतलब बैक पेन मुझे बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी यार कोई नहीं, कल सुबह चलना है रूटीन चेकअप के लिए ना स्वीटू का, है ना, तो कल डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे और पूछेंगे, है ना। हाँ गाइस अब मैं ही ब्लॉग बनाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ब्लॉग बनाया करूँगा। ठीक है सेठू, कोई बात नहीं। अब बाबू कुछ खाना है आपको? सच में यार मेरे बाबू यार बहुत परेशान होते हो, कुछ खा ही नहीं पा रही है यार, है ना। दुबले पतले हो गए मेरी सेठू यार, अरे वो तो। और गाइस पहले खाती थी यार, मतलब अब तो ये हो रहा है कि अब तो मेरे को 5% भी नहीं खाया, मतलब अगर कोई चीज़ खा ली ना, मुझे उल्टी आती है सब, कोई चीज़ खा ली ना दो तीन दिन तो खानी नहीं फिर। अब गाइस ये लगा लो मन मर जाता है, मतलब बिल्कुल। अब मैं पहले तो मैं फ्रूट्स कम लेके आता था, मैं फ्रूट्स लेके आता हूँ पता है क्या है, फ्रिज भरा ही रहता है, खीरे नहीं खा रही है, बताओ बिल्कुल भी, सब ऐसे ही रखा हुआ है, क्या करें यार, मैं ही खाऊँगा सारा, क्या करें, खा लो यार कुछ बाबू, पसीने आ रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, चलो गाइस अब मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। ठीक है, हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, मैं जल्दी उठी थी वैसे, क्योंकि मुझे बालों में ऑयलिंग करनी थी, तो मैं जल्दी उठ के मैंने बालों में ऑयलिंग कर लिया। मैं टाइम से उठ जाती हूँ ना, फिर तो मैं वॉक वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, मैं बाहर भी गई, मैं फ्रेश होना पो के वॉक भी कर लिया मैंने। ठीक है, सिटू कर रहे थे वॉक थोड़ी सी, और ये जो मैंने रात को भिगोए थे बादाम और ये किशमिश, ये मैं खाऊँगी अब। और ये हटाओ ना गाइस, ऐसे करके रखना पड़ता है कभी कोई कीड़ा या कुछ ना आ जाए ना, ऐसे करके। ये फ्रूट्स वगैरह की अनार भी इसी में रख दिए थे, हाँ जगह नहीं थी, अंदर निकाल लो एक अच्छा सा, सारा फ्रिज तो भरा पड़ा है। तो सिटू मेरे लिए अनार अब छीलेंगे, अनार काटेंगे, है ना, और मैं इतने ये खा लूँगी, उसके बाद फिर हम वही अपना डेली रूटीन का काम करेंगे, झाड़ू वगैरह। फिर आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पूछनी है, जैसे कि हमने रात को बताया था, है ना सिटू, भूलना नहीं, नहीं भूलूंगी नहीं, वैसे मैं हर बार भूल जाती हूँ, कभी कुछ मैं भूलती ही रहती हूँ, लेकिन अब की बार मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं तो अभी आँखें ही लग ली, क्योंकि यार मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे पूछ के आना। तो चलो यार खा लेते हैं, एक अनार खाऊंगी, वैसे अनार खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि डेली डेली अनार और एप्पल खा के ना मेरा मतलब ऐसा जी हो गया, एकदम ख़राब सा जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बनाना खाने का मन कर रहा था, आज बनाना लेकर आएंगे जब वहाँ से आएंगे, अमरूद वगैरह सब मैंने इतना खा चुकी हूँ ना, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो चलो भाई खा लेते, मिलते बाद में। यही जैसे छीलने में ना बहुत टाइम जाता है, इसलिए स्वीटू ही छीलते हैं। नहीं आज तो तुमने छीला है। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, देखो कुकू मिरर को मत घुमाना, कौन घुमा रहा है ये। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, ठीक है, और कुकू भी हो चुके हैं, बस ये कपड़े पहनेंगे फिर उसके बाद चल रहे हैं, कहीं जाते हैं ना तो हमेशा लेट ही हो जाते हैं। तो ठीक है, मैंने ये वाला सूट पहना है, और एक बात बताऊँ ये मुझे आ नहीं रहा था, फिर मैंने पहले ना टाइट कराया था जब नया था ना, तो फिर मैंने ये खोल लिया, मतलब इसकी एक एक सिलाई मैंने हटा ली। और आज देखो मैंने हेड वॉश किया है, और नीचे से देखो बाल कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, और मैं अभी ना कुछ कर भी नहीं रही ज़्यादा, क्योंकि एक तो ना मैं नीचे सर करके धोती हूँ ना, सर को तो हेड वॉश हो नहीं पाता सही से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ जैसे मेरे पे हो पाता है। तो सिटू को ऑफिस भी जाना है, और अभी ऑलरेडी 10 बजने में अभी 5 मिनट या फिर बज भी गए शायद, है ना, बज गए ना 10 शायद, बज गए शायद। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया,
तो हम चल रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी किया हमने सारा काम, इसलिए हम लेट हो गए। फिर कपड़े सुखा के आई मैं, बहुत सारा काम जाता है यार मॉर्निंग में। तो फिर अब हम फाइनली चल रहे हैं। ये मेरी कॉकी है, कॉकी। पहले हम डॉक्टर के पास गए थे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए थे, क्योंकि इसलिए बोला था डॉक्टर ने कभी कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो तो, इसलिए फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। फिर मुझे तसल्ली मिल गई थी क्योंकि सब चीज़ ठीक थी, और जो मैं मतलब लेट नहीं पाती ना उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर कुछ ना सेकंड बेबी है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जैसे मैं बैठती हूँ पोजीशन का भी काफ़ी वो होता है, मैं ना टीवी देखती हूँ मतलब दो तीन पिलो लगा के, तो उसकी वजह से मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं यहाँ से डॉक्टर के पास दोबारा गई थी रिपोर्ट दिखाने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे घर। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं, स्वीटू का रूटीन चेकअप के लिए गए थे। हम कब गए थे आपको बताया था मॉर्निंग में, और देखो यार कितना टाइम हो गया। ओह माय गॉड, स्वीप के लिए ऊपर गई तो क्या। और गाइस तो आज खाने का कुछ नहीं है, तो बाहर से लेके आए खाने का। स्वीप पकड़ो, और आज तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, पता है क्यों? डॉक्टर ने बोल दिया कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, ये अलाउ कर दिया है पीने के लिए, लेकिन वो भी 10 डेज में वन टाइम। 10 डेज में एक बार मैं कुछ भी मतलब ऐसा खा सकती हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। बर्गर वगैरह जो हम मंगा रहे थे ना, मैं बहुत कम कम खा पाती थी। और मेरा कोल्ड ड्रिंक का तो काफी टाइम से मन कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एसिडिटी हो गई थी तब बहुत ज्यादा, तब भी नहीं लेके आया गाइस मैं, क्योंकि हमें भाई तो इसलिए आज हम बड़ी यार पता है कभी ऐसी चीज होती है, आप लोग भी कहोगे देखना, पता है कभी कभी ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें कितनी खाए पियो, लेकिन जब मन करता है जब ना मिले ना काफी दिनों से तो फिर मन करता ही है यार। और मैं लाई हूँ अपने लिए चिली पटेटो, क्योंकि भाई अलाउ कर देगा वो फ्राई वाले हैं, फ्राई ग्रेवी वाले हैं। चलो लगा लेते हैं कुकर अपनी चीज ये जी। और पता है लिपस्टिक का मुझे मेरी मुझसे ना मतलब रहा नहीं जाता लिपस्टिक का, और मेरा प्रेगनेंसी में इतनी हेट है मुझे, आप लोग बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं लिपस्टिक लगा के खाना नहीं खा सकती। हाँ गाइस, और गाइस फाइनली अभी हमारा सब कुछ ठीक है, तो गाइस अब आगे ब्लॉग कंटिन्यू मैं ही करूंगा। सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है, और फुल ब्लॉग देखो, फुल ब्लॉग। और गाइस अब ब्लॉग मैं बनाया करूंगा, तो मैं सीख रहा हूँ बनाना, तो मुझे सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। और ऐसा नहीं है सीटों को टाइम लगेगा, सीटों भी बनाएंगे, सीटों आराम से। तो भाई चलो मिलेंगे आपसे हम बाद में। अब गाइस आ जाओ आप भी, आप लोग भी खा पी लो। चिली पटेटो काफी अच्छी है और स्पाइसी है। मुझे पता है इतने समोसे ब्रेड पकौड़े कुछ भी पसंद नहीं आता है जितना मुझे कोल्ड ड्रिंक और चिली पटेटो पसंद आता है। आप लोग बताना आपको क्या पसंद आता है। आराम से मैं खा रहा हूँ यार, मैंने चिल्ला खा ले भाई, यम्मी अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी है। चीयर्स गाइस, आप लोगों का मन कर रहा होगा ना खाने का, कितना मात्र फिक्स हो गया। हम ऐसी कोई चीज खाने की तो उससे लग रही है बाद आवाज़ है ना, इसमें मतलब वाला है ना टेस्ट। यम्मी है समझ में, हमारे पास से ना यहाँ से टेस्टी नहीं मिलते, वहाँ से टेस्टी और महंगे भी मिलते हैं बस यहाँ पे। ये 10 रुपये का है, वरना 10 रुपीज़ का समोसा कहीं मिलता नहीं है। टेस्ट देखने कौन सा है, भाई सारी बात टेस्ट की होती है। हम पहले वहीं खाने वाले थे, लेकिन पता है जब तक घर आके हम फ्रेशन अपना हो ना, अच्छे से मुंह ना धोए हाथ पैर ना धोए, मेरे तो मुझे मजे नहीं आते। नवा आपको तो नवा समोसा खिलाया है वहाँ से, कहाँ से, अरे यार क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, बताओ। सागर छाया नगर से नाम याद नहीं आ रहा मुझे, गीता अग्रवाल, जहाँ से मतलब वो मिलती है रसमलाई वगैरह। हाँ नहीं वहाँ पे सॉरी नगर में जहाँ मार्केट से आते हैं जाओ कृष्णा मार्ट से, तो वहाँ नहीं खिलाया मैंने आपको, नहीं खिलाया समोसा, उसका समोसा बहुत अच्छा है गर्म गर्म, लेकिन कभी कभी उसके जो लेवर है ना वो बेवकूफ़ है, ठंडा समोसा देते मैं फेंक क्या, ये बात बताने की जरूरत है। चलो गाइस मिलते हैं भाई, कोई खाए तो बताओ जी, मैं ठंडे समोसे में वरना आप लोग कहोगे खुद खुद खा रही है, हमें बस दिखा रही है। गाइस वैसे मैं पीती तो नहीं हूँ ठंडा पानी, लेकिन हम बाहर से आए थे ना जब, और कुछ वैसा खा लिया था स्पाइसी वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था, क्योंकि पेट में एकदम से आग लग रही थी, तो मैंने
पानी ना फ्रिज में रख देता, वैसे हम गर्मियों में भी फ्रिज में नहीं रखते, मैं आपको बताऊँ तो मैंने बॉटल रख दी थी। और हाँ, जब तक मैं मुंह लगा के पानी में पी हूँ तब तक मेरी प्यास ही नहीं बुझती है यार। वैसे मैं ज़्यादातर गिलास से पीती हूँ। अभी ये बोतल हमारी अपनी अलग है, तो मतलब वैसे तो जिसको सब में इसका सबको पानी देते हैं वो अलग है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ ये अलग है इसलिए मैं इससे पी रही। तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़। मेरा हाल देख रहे हो, काजल फैला हुआ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मैं थक चुकी हूँ। मॉर्निंग से गए थे और क्या 10 बजे गए थे और मतलब हमको 3 बजे गए थे और अब तो सीटू के आने का टाइम भी हो रहा है थोड़ी देर बाद। मैं देख रही हूँ अभी टीवी, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस मैं बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, तो अभी तो ये होने वाली है, बस थोड़ी देर में पकने वाली है। तब तक ये होता है तब तक मैं बनाऊँगी कपड़ों की तह। सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे तो मैं इन सब की तह लगा दूंगी। कुकू का बैग पैक करना है मुझे क्योंकि आज वॉश हुआ है, बच्चों का बैग वैग बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए ये करूँगी, इसके बाद आपसे मिलूँगी। गाइज स्वीटू बना रहे हैं खाना, ठीक है और मैं खा रही हूँ। अब गाइज मुझे बहुत ही भूख लग रही है, थोड़ी जली जली मतलब ऐसे पकाते हैं ना मुझे, यही ऐसी ही टेस्टी लगती है तो मैं ये खा रही हूँ। हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो स्वीटू बना रहे हैं। तुम मैं की बात ऐसे इनको खुशबू बदबू कुछ नहीं आती और पता नहीं यार कैसे हेडेक हो रहा है यार मुझे। मेरे तो वही था, तुम्हारे हो गया, तुम्हारा ठीक नहीं हुआ? मैं थोड़ा बहुत आराम है। अरे पर मैं नहीं, तुम्हारा हेडेक कहीं मेरे सिर में आ गया हो, थकावट से हो गया हो यार। हां यार आज पता बहुत टाइम लग गया, फिर शाम को भी अभी आ गए थे दो लोग आ गए थे और उसमें लग गया व्लॉग बना नहीं पाई मैं, इतना पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया। गाइस आपको भी अगर खानी है रोटी तो अपने घर में बनवाओ और खाओ अपने पति से है जीटू और क्या नहीं किसी से बनवा सकते हो, अरे आ भी सकते हो यार हमारे घर आना, हमारे घर आ सकते हो, आ जाओ बड़ा मेरे हाथ की जीटू के हाथ की रोटी खाना। बाकी मैं तो अभी बनाने की हालत में हूँ नहीं, बहुत बहुत खराबी से आ रही है, मुझे खुशबू की जगह बदबू आती है। कहाँ खाऊँ, बाहर बैठ के? तो अभी मैंने बनाई है ये चाट और इस जो ये पपड़ी है ना, पापड़ी मठरी कुछ भी बोलो, इसकी वजह से लड़ाई हो गई थी। क्यों हुई थी वो मैं आपको शाम को बताती हूँ, क्योंकि अभी तो सीटू ऑफिस गए हैं, उनकी टांग खींचने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो आएंगे ना तब मैं मतलब आप लोगों को बताऊंगी। बहुत टेस्टी बनी है सच में ये चाट है ना, नॉर्मल सी मतलब इसमें मुरमुरे हैं जो कि मैंने इसमें थोड़े गर्म किए थे, क्योंकि एकदम खिल जाते हैं ना वो, ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नमक मिर्च और टमाटर प्याज हरी मिर्ची। और गाइज आप ये मत कहना कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ना बस थोड़ी ही लूँगी, मैं थोड़ी मतलब एक गिलास ही लूँगी और नहीं लूँगी मैं, ठीक है ये रख दूँगी मैं क्योंकि अब है घर पे तो इसलिए पी रही हूँ, वरना मैं खुद ही नहीं चाहती कि मैं पीऊँ और ना मैं मंगाती। हे गाइज गुड मॉर्निंग, तो सभी लोग पी लो चाय, चाय बनाई है मैंने। और कल गाइज हम मैंने बताया था ना मेरी लड़ाई होगी थी, पता है किसके ऊपर लड़ाई हुई थी? इसके ऊपर। ऐसे पता है मुंह बना लिया था इन्होंने, मैं कह रही थी रहने तो मत ले क्या, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। बात तो ये थी, बात तो खैर और भी थी लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ ठीक है। हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मेरा ना मठरी खाने का मन था, तो गई भी इतनी जल्दी गए लेने के लिए, वहाँ मिली नहीं, तो मैंने कहा मैंने मुँह सा बना लिया, फिर मैं आलू के पराठे ऐसे खाने लगी, तो मुँह ही तो बनाया था मैंने, ये थोड़ी बोला था नहीं मुझे अभी लेके आओ, तुमसे बोलती किसी तो अभी लेके आओ अभी लेके आओ तो होती बात। गाइज ऐसे भागे और गाइज ऐसे भागे लेने के लिए स्कूटी स्टार्ट करके सब कुछ छोड़ के, और इतना अच्छा खासा टाइम था ब्रेकफास्ट करने का, आधा घंटा मिलता है पूरा पूरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, और फिर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के कहीं नहीं मिली इन्हें मठरी, और फिर ये वाली मिली, जो कि मुझे ये वाली खानी थी, मुझे खानी थी बड़ी वाली गोल गोल वाली वैसी वाली, बड़े वाले अब ले आऊंगा ठीक है है ना। तो वही से वाला मुंह बना लिया, तो मैं तो समझ गया ना भाई इन्हें गुस्सा आ रहा है, इन्हें खाने जा रहा पराठा, मन कर रहा फेंक दूं, तो तुम्हें पता है मेरा मुंह तो हमेशा बना ही रहता है, पता ही नहीं है तो तभी तो ले आया मैं जाके, मेरा मुंह तो गाइस पता है अब मेरा मतलब माइंड ऐसा रहता है ना, माइंड ऐसा रहता है कुछ भी खाने का मन नहीं रहता, तो फिर मेरा मुंह तो बना ही रहता है खाने को, देखो बदबू आती है, तो देखो हमने तो खाए नहीं और इसके मजे चूहे ने ले लिए, देख रहे हो डब्बा
उनको खुला तो था नहीं डब्बा, तो देखो थोड़ा सा डब्बा ही खा गए वो। देखा हमने इन खाया तो उन्होंने कर। और पता है एक बात और बताऊं, हंसोगे तो नहीं, जब तुम कुकु को छोड़ने गए थे ना तो मैंने जल्दी से मट्टी खा ली थी चाय के साथ कल। तो यार बोला मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने खा ली, मैंने बोला मैं छूंगी नहीं, मैं छूंगी नहीं। इन्होंने बोला एक दो तो खा ले चाय के साथ, एक दो तो खा ले फिर चाय भी चाय ना चाय थाली में। हाँ गुस्से में गाइस, तीन कप चाय थी, मैंने तो चाय पीनी गुस्से में क्या, मैंने बोला टाइम ही नहीं बचा अब, तो पता क्या कर रहे हैं उन्होंने, नहीं पियेंगे चाय, नहीं पियेंगे, मैं नहीं खा रही मट्टी, ये डब्बा लगा बहुत गुस्सा आ रहा था। गाइस मेरे साथ ये तो मैं फोन फेंक देती हूं, गिलास तो कंट्रोल है, तीन गिलास की चाय थाली में मिला दी खाने के साथ, खावे से गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने थाली में कर दी सारी चाय, इसलिए तो ब्लॉग नहीं बना था गाइस पूरे दिन। और इन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हम लोगों ने चलो चुप चुप कर भी लिया था, कुकने भी कर लिया था, और पता शाम को फिर मैंने दोबारा खाई मटरी, तभी तो डब्बा आधा हो गया, इतनी टेस्टी लगी थी। और ये अब आज खत्म हो जाएंगी दो दिन में खत्म, क्योंकि यार है भी तो इतनी इतनी सी, बताओ बिस्किट से हैं ये छोटे छोटे, मुझे बड़ी वाली चाहिए थी, 60 रुपए की है बिस्किट ये तो अभी तक आई, वो वाली भी तो मतलब महंगी आती है पर अच्छी भी तो लगती है, 250 ग्राम 60 रुपीस, बड़ा वाला पैकेट लाना आप। हाँ बड़ा वो वाली बहुत अच्छी लगती है, करारी करारी है मतलब, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ी सॉफ्ट है तो इतनी अच्छी, ये खस्ता जैसी होती है नॉर्मल। तो गाइस जैसे घर पे बनाते हैं, तो गाइस चलो व्लॉग का करते हैं, अब खोलो तो सही, खाओ तो सही, इन्होंने एक भी नहीं खाई है तब से, तो मैंने जबरदस्ती चाय बनाई क्योंकि ये दूध पी रहे थे, मैंने कहा नहीं अब तो चाय पियोगे तुम भी, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट कल से भर रही हूँ मैं इनको कल से खा रही हूँ, थोड़ा सही लगती है चाय के साथ तो इसलिए मंगाई थी मैंने। और कल तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, मैंने जब जा भी रहे थे ना ऑफिस, बिल्कुल नहीं छूंगी, छूंगी नहीं बिल्कुल, अब वही जैसे ये गए तब दोबारा खाई शाम को फिर खाई, अच्छी है ना चाय के साथ टेस्ट करती है, चाय भी अच्छी बनी है कड़क। तो गाइस चलो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी ना गाइस, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, बैक पेन मुझे इसकी, बैक पेन तो सेकंड प्रेगनेंसी है उसकी वजह से, और फिर ना मैं तकिया वगैरह जो लगाती हूँ ना टीवी देखने के लिए उससे मुझे बैक पेन हो रहा था, बैक पेन अब रहेगा ही। डॉक्टर ने बोला था ये तो नॉर्मल है, खाना ना खाना अभी बदबू स्मेल आनी खाने में से, हर चीज में से, अभी तो थोड़े टाइम बाद फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा बोल पाऊँ ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि अब सीटू इसी वाले चैनल पे सपोर्ट करें सीटू को थोड़ा रिलीफ मिले है ना, वो भी वही ब्लॉगिंग करती है, लेकिन मैं क्योंकि आप डेली ब्लॉग देखना चाहते हो ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये बना लिया करें थोड़ा, क्योंकि मेरा मन नहीं करता यार कभी कभी डेली ब्लॉगिंग कर। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट, बाय बाय।